वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन. ओके, सो नाउ इन द लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, सेलिब्रेटिंग बीहू. फर्स्टली यू नो दैट वॉट इज बीहू. बीहू इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन आसाम. वेयर इट इज सेलिब्रेटेड? इन आसाम. ओके, In our country, what we celebrated the very lightful festival. I think it is Diwali. Yes, it is Diwali. As like as the Bihu is celebrated in Assam. Okay, so let's get started. This chapter is very interesting. We are learning something new, that what is Bihu and where it is celebrated, how it is celebrated. In this chapter, we learn. Okay, so let's get started. Okay. Be ready with your textbook and pencil to underline some important words. Okay, Ma, Baba and I were traveling to Guwahati to visit Aunt Ratna's family. Ma, Baba and I, it means जो writer है जिसने ये लिखा है, वो और उसकी मम्मी पापा गुवाहाटी जा रहे थे अपनी आंट के यहाँ पे. ओके, आंट इट मीन्स आंटी. ओके, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू विजिट आसाम. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आसाम जाने के लिए. ओके, Aunt Ratna had once told me that Assam is one of the most beautiful state in India. उसकी जो आंट है उसने उससे एक बार कहा था कि आसाम बहुत ही प्यारी कंट्री है, इन इंडिया बहुत ज़्यादा प्यारा स्टेट है. She had also said that Assam is very rich in agriculture and the three harvest festival of Bihu are its more important celebration. Assam जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिच है और वहाँ पे तीन फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, इट मीन्स जब फसल कटती है तब वहाँ पे ये सेलिब्रेशन किया जाता है, द सेलिब्रेशन ऑफ बीहू. ओके, I asked Baba to tell me more about Bihu. वो बिहु के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था. He said the Assamese celebrate three types of Bihu in a year. एक ईयर में वो तीन टाइप्स के बिहू सेलिब्रेट करते हैं. जब तीन बार उनकी फसल कटती है, हार्वेस्टिंग होती है, तब ये सेलिब्रेशन किया जाता है. फर्स्ट इज रोंगाली बिहू एट द स्टार्ट ऑफ सोविंग ऑफ सीड्स. जब वो अपने बीज को बोते हैं तब रोंगाली बिहू सेलिब्रेट किया जाता है. कोंगाली बिहू व्हेन द सोइंग इज कंप्लीटेड. जब सारे बीज वगैरह सब वो बो देते हैं. थर्ड इज भोगाली बिहू एट द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग पीरियड. एंड ऑफ हार्वेस्टिंग पीरियड जब उनकी मेन फसल कट आउट होती है, जब वो लास्ट में भोगाली बिहू बनाते हैं. ओके, दे सेलिब्रेट भोगाली बिहू. ओके, सो हाउ मेनी फेस्टिवल्स आर दे सेलिब्रेट इन अ ईयर? थ्री. भोगाली बिहू, कोंगाली बिहू एंड रोंगाली बिहू. ओके, सो टर्न द पेज, पेज नंबर. इन फैक्ट वी आर गोइंग टू जस्ट इन आर टाइम रोंगाली बिहू. जब वो जा रहे थे तब कौन सा टाइम था? रोंगाली बिहू. सेड माँ विथ अ ट्विंकल ऑफ इन हर आइज. ओके, उसकी आइज में बहुत ज़्यादा ट्विंकलिंग थी. व्हेन ही रीच्ड गुवाहाटी वेयर वी वर वेलकम वार्मली बाय अंकल प्रमोद एंड आंट रत्ना. उनकी आंट रत्ना और उनके हस्बैंड अंकल प्रमोद ने उनका बहुत अच्छे से गुवाहाटी में वेलकम किया. माई पेरेंट्स टोल्ड दैम हाउ ईगर आई वॉज टू नो अबाउट बीहू एंड दे एंथियास्टिकली डिस्क्राइब द फेस्टिवल टू मी. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बीहू के बारे में और जानने के लिए, और उनकी जो आंट रत्ना है और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उसको बीहू के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत एंथियास्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से डिस्क्राइब भी किया. रोंगाली बिहू इन द आसामीज न्यू ईयर बिगिन अंकल. ओके, अंकल बोलते हैं कि जो रोंगाली बिहू है ये उनके लिए एक न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं. इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग. जो स्प्रिंग आती है तब ये सेलिब्रेशन होता है. वी यूजुअली सेलिब्रेट इट द मिडल ऑफ अप्रैल एवरी ईयर. अप्रैल के बीच में ये हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं. ओके, इट इज़ कॉल्ड रोंगाली बिहू बिकॉज द हैप्पीनेस इट ब्रिंग्स टू पीपल. ये रोंगाली बिहू इसीलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये जो वहाँ के लोग हैं उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है. ओके, सो एक्चुअली वी सेलिब्रेट रोंगाली बिहू ओवर सेवरल डेज. कंटिन्यूड आंट रत्ना. अब आंट रत्ना बोलती है कि ये सेलिब्रेशन बहुत दिनों तक चलता है.
सीन्स बिहू इज अबाउट फार्मिंग एंड कल्टिवेशन. फार्मर्स स्पेंड होल डे डेकोरेटिंग कैटल्स. अब जो उसके बिहू है वो बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग पीरियड के लिए होता है, तो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटेंटिव होंगे क्योंकि वो उन्हीं का फेस्टिवल है. तो वो पूरा पूरा दिन अपने कैटल्स को डेकोरेट करने में लगाते हैं. जैसे कि वो जो कैटल्स, इट मीन्स जो उनके घर में पालतू जो होते हैं जैसे कि काउ, गॉड्स वगैरह, वो इनको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं. दे बाथ देयर काउज एंड बुल्स विद द महालोधी. महालोधी अ पेस्ट ऑफ ब्लैक ग्राम एंड लिटिल टर्मरिक. ब्लैक ग्राम और उसकी टर्मरिक का एक पेस्ट होता है, वो उसे उसको पेस्ट तैयार करके उनकी काउ और उनकी कैटल्स को बाथ करवाते हैं. आफ्टर दिस दे डेकोरेट द एनिमल विथ फ्यू गार्लैंड्स. गार्लैंड्स इट मीन्स, वॉट डू यू मीन बाय गार्लैंड? सर्कल्स ऑफ फ्लावर्स लीव्स अराउंड द हेड, उनके हेड के अराउंड नेचुरल चीज़ों से जैसे कि पेड़ पौधे की पत्तियाँ, फूल वगैरह से वो उसकी कैटल्स को डेकोरेट करते हैं. ओके, द नेक्स्ट डे वी ऑल वर न्यू क्लोथ्स एंड वेलकम आंट एंड अंकल्स, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स. अब वो नेक्स्ट डे न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, एज लाइक एज वी डू इन द दिवाली ना, अपन पहले पूजा करते हैं एंड देन नेक्स्ट डे वी वियर द न्यू क्लोथ्स. वी दैट्स वाई एज सिमिलर एज इन द आसाम वी सेलिब्रेटिंग बिहू एंड दे वियर द न्यू क्लोथ्स एंड इनवाइट रिलेटिव्स एंड एट द होम. ओके, I couldn't stop eating the tasty laru and petha. Laru and petha is the sweet, it's included in the festival of Bihu. Okay, it is the sweet. Traditional Assamese sweets. Now, what are the traditional Assamese sweets? Laru and petha. I saw many people gifting each other hand woven clothes towel called gamosas. Gamosas वो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं to present the respect towards the elders. उनको respect करने के लिए वो एक gamosas the towel देते हैं जो handmade होता है और वो cotton का होता है, white and red color, just as you seen in this picture. This was the gamosas. What is it? Gamosas. Aunt Ratna explained, on this day the Assamese greet each other welcome to elders in the family by presenting them with the new gamosas. She gifted me lovely red and white gamosa as a keepsake. वो उन्हें respect करने के लिए अपने elders को देने के लिए gamosas देते हैं family में जो भी आता है as a gift. और उसने aunt Ratna ने उस writer को भी एक gamosas gift किया था as a keepsake. Keepsake is a small object someone gives you to take remember all them. वो हमेशा उसे याद रखने के लिए जो gift दिया जाता है, that's all keepsake. Okay.